हेलो गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, अभी हम मसौरी बाज़ार में हैं और आपको जा रहे हैं दोस्तों दिखाने के लिए एक ऐसी जगह जो कि भूल भुलैया है, जो कि NH 83 नेशनल हाईवे पर है। तो वो कहां पर है दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा दोस्तों, वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मसौरी गुमटी पार कर रहे हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यहां से आपको दिखाने का मेरा एक ही मकसद है दोस्तों कि वो जगह कहां पर है और कैसे आप जाएंगे, तो वहां भटकेंगे नहीं। तो मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा दोस्तों। जैसा कि देख रहे हैं आप दोस्तों, ये रोड जो है साई से होकर जो है धनरुआ होते हुए पटना चले जाते हैं, और ये रोड जो है जहानाबाद की ओर आप चले जाएंगे दोस्तों। तो इसी रोड से हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि वो जगह कौन सा है जहाँ की जहानाबाद से भी लोग आते हैं तो वहाँ भटक जाते हैं, और पटना से भी आते हैं तो वहाँ भटक जाते हैं, और मसौरी से भी जाएंगे दोस्तों तो भटक जाएंगे कि किधर जाएँ। तो वही जगह पर मैं ले चलता हूँ। तो वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, आपको पता चलेगा कि वो जगह कहां पर है। तो ये वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या भाई, जैसे मन होता है वैसे घुमा दिए हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा पुलिया भी था, वो बहुत ख़राब था, टूटा हुआ था, तो उसका भी काम यहाँ पर चल रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि सामने देख रहे हैं दोस्तों, ये पुलिया जो है टूटा हुआ था, बहुत से यहाँ पर जाम लग जाता था, तो इसका भी काम तेज़ी से चल रहा है जैसा कि आप देख रहे हैं। ये भी बहुत जल्द ही बनकर कंप्लीट हो जाएगा, इसका भी काम अभी चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेशनल हाईवे पर ले चलते हैं दोस्तों, और वो जगह कौन सा है वो आप जानिए, क्योंकि पटना से भी आएंगे, जहानाबाद से भी आएंगे, तो वहाँ पर आप भटक नहीं पाएंगे दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद। ये रोड जो है आप देख रहे हैं दोस्तों, यही जो है आपको सामने में जो है मिल जाती है, और आपको बताते हैं कि कहां पर रोड आपका है जो है, यहीं पर भटक जाते हैं लोग। अब देखिए मैं बताता हूं, फाइनली दोस्तों हम उस जगह पर आ गए हैं जहाँ की भूल भुलैया ये रास्ता है, जो कि नेशनल हाईवे NH-83 है दोस्तों। तो मैं इसी का अपडेट आज आपको देना चाहता हूँ, जो कि बहुत से लोग, मैं भी यहाँ आया था तो भूल गया था कि किधर जाएं किधर ना जाएं, तो मैं आया था इस रास्ते से दोस्तों, ये जो देख रहे हैं इस रास्ते से आया था, और यही वो रास्ता है जो कि चार पांच जगह जाता है दोस्तों। तो कहां पर जाता है, किस रास्ता से कहां जाएं, क्योंकि जहानाबाद से भी आते हैं लोग, पटना से आते हैं, तो इस जगह पर भुला जाते हैं कि किधर जाएं किधर नहीं जाएं। तो मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों बैक कैमरे से, जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों यही वो रास्ता है नेशनल हाईवे NH-83 जो कि गया पटना 4 लेन है। तो इधर से जो जाते हैं दोस्तों तो वो जहानाबाद की ओर चले जाएँगे, ठीक है, और इधर से ये रास्ता जो है मसौरी चली जाती है, ठीक है। और जो है ये सामने जो आप देख रहे हैं, ये जो रास्ता जो है, ये जो है आपको बाईपास होते हुए धनरुआ पटना आप निकल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ये रास्ता जो है, ये जो देख रहे हैं, ये अभी बंद है, जो कि मैं इसका वीडियो बनाया था, आगे पुल जो है बन रहा है, पुल का निर्माण हो रहा है, तो उसी का मैं, आपने वो वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में हम उस चैनल का लिंक डाल देंगे, आप वहां जाकर जो है चेकआउट कर लीजिएगा। तो ये रास्ता बंद होने के कारण अभी जो है इस रास्ते से लोग जा रहे हैं, और यहां पर जो भी लोग आते हैं वो भूल जाते हैं कि किधर जाएं किधर नहीं जाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं वो सामने जो है आप गया की ओर, जहानाबाद की ओर आप सीधे चले जाएँगे दोस्तों। मैं फिर से अपडेट दे देता हूँ, अगर आप मसौरी से आते हैं, जैसे कि ए रोड से आते हैं, और आपको जहानाबाद जाना है तो सीधे आप जहानाबाद गया चले जाइएगा, और इधर से होकर आप चले जाइएगा पटना धनरुआ होते हुए, और आगे की ओर जाइएगा दोस्तों तो आप गया भी इस रूट से बाईपास धर के और गया भी जा सकते हैं, पटना भी जा सकते हैं, क्योंकि ए रोड जो है अभी बंद होने के कारण, अभी पुलिया का निर्माण हो रहा है, इसके कारण लोग इधर से जा रहे हैं। तो इसका अपडेट देना बहुत ज़रूरी था दोस्तों, जो कि मैं आपको दे दिया हूं इस वीडियो में। दोस्तों एक भैया हैं जो कि यहाँ पर देखभाल करते हैं, काम भी करते हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि जो लोग आते हैं वो भूल जाते हैं, तो ये बताते हैं। भैया बताइए आप। ना ना बात तो सही है, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं गाड़ी से आते हैं, यहाँ पर बराबर पूछते रहते हैं कि ना भाई ये रास्ता किधर जाता है, ये रास्ता किधर नहीं जाता। नाम बता दीजिए। मेरा नाम रवि कुमार हुआ। हाँ बताइए।
कि जो लोग आते हैं, अगर मान लीजिए कि पटना से जो लोग आते हैं और गया से जो लोग आते हैं तो इस रास्ते पर भूल जाते हैं। हाँ, इस रास्ते पर भूलने का कारण है कि एक रास्ता तो आपका चल जाता है जीरो में, रास्ता जो है ये सामने कहाँ चले जाता है, ये रास्ता आपका जहानाबाद चल जाता है, जहानाबाद होते गया चल जाता है, गया चले जाता है। और ये रास्ता है जो जीरो माइल की ओर चल जाता है। अभी ये रास्ता ब्लॉक है, जो ये काम चल रहा है ये रोड का, इस चलते पटना जाने वाले जीरो माइल हो गया, वो पटना जंक्शन की सिपारा की ओर जाता है, दोनों अभी इसी रास्ते से चले जा रहे हैं। ये रास्ता अभी ब्लॉक है, इसमें काम अभी चल रहा है, लेकिन ये रास्ता अभी पटना ही चल जाता है। ये वाला रास्ता जो हो गया मसौरी चला गया, ये रास्ता जो है ये मसौरी टाउन की ओर चला गया, ये भी पटना ही जाता है। हाँ, मसौरी से टाउन से होकर पटना जाता है, और ये वाला जो हो गया जो डायरेक्ट पटना चला जाएगा, और वो रास्ता जो हो गया डायरेक्ट पटना चली जाएगा। हाँ, पटना पुल पर काम चल रहा है, और ये रास्ता भी पटना ही जाती है, पटना ही जाती है, इस जीरो माइल पटना जाती है। इस चलते मतलब कि वाहन लोग के चालक इस प्रकार से गड़बड़ा जाते हैं, भूल जाते हैं। थैंक यू। जैसा कि दोस्तों मैंने दिखाया कि इस रास्ते पर जो भी लोग आते हैं, पटना से आते हैं या तो गया से आते हैं या तो मसौरी से आते हैं, तो यहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं, भूल जाते हैं कि किस रूट में जाएँ। मान लें पटना जाना है तो भुला जाते हैं कि किधर में जाएँ, क्योंकि ये रास्ता तो क्लोज अभी है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये रास्ता अभी क्लोज है, तो क्लोज होने के कारण इस रास्ते से आपको जो है इस रास्ते से जाते हैं, जो कि जीरो माइल होते हुए धनरुआ होते हुए पटना निकल जाएंगे। तो दोस्तों इसका अपडेट देना बहुत ज़रूरी था, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को ये अपडेट दे दूं, जो कि गया पटना 4 लेन ये है, नेशनल हाईवे NH-83। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।